यहाँ पर जयराम रमेश ताल ठोक रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के निकलने का इंडिया गठबंधन से। अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं जयराम। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के पास पूंजी है, वोट की पूंजी है। तभी अगर पूंजी नहीं रहता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको लेने के लिए इतना व्याकुल क्यों रहते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा, कॉफ़ी हाउस में यहाँ सुरेंद्र किशोर एक पत्रकार हैं, उनको बोला था उन्होंने कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा बाय हुक एंड बाय क्रूक। मुझसे 1995 में लालचंद महतो एक MLA हुआ करते थे, वहाँ हम रात में उनसे मिलने गए थे और पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ही आए, हमको देखे, ये हमको समझते थे कि मैं लालू यादव का आदमी हूँ। जब समता पार्टी बनाई, हाँ, उसके बाद चुनाव के बाद हार गए, 7 गो आ गए, मुख्यमंत्री बनते थे 7 गो पर आ गए। इसके बाद वो आए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, मुझे देखे, बात होने लगी, बहस होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए 10 साल में मैंने लालू यादव को कुर्सी से नहीं हटा दिया तो मेरा नाम नीतीश कुमार ना। एग्जैक्टली 10 साल में उन्होंने हटा दिया था, इतना वो। फिर वही नीतीश कुमार की राजनीतिक अहमियत और जो कुछ तबकों पर उनकी पकड़ है उसी को बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, बीजेपी को लगा कमंडल की धूम मच जाएगी, पर क्या वो दरअसल गूंज बिहार में नहीं सुनाई दी बीजेपी को? लवकुश यात्रा भी निकाली सम्राट चौधरी ने, दैट ऑल्सो डिड नॉट क्रिएट एनी रिपल्स। तो नीतीश जरूरी भी हो गए और मजबूरी भी हो गए। अरे नीतीश ने जो जातीय आधार पर जनगणना करा दिया, फिर आरक्षण का बढ़ा दिया, यहाँ आप समझ सकते हैं बिहार में जो ग्राउंड पर जो लोगों का सोच है, फिर थोड़ा सा हम छोड़ दिया था 2013 में इन अंदर से कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, उन्होंने छोड़ दिया। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, फिर दूसरी बार लालू प्रसाद के साथ जा करके जो 15 में कि एक प्रयास और करूँ, तीसरी बार प्रयास किया इस बार, तो 3 बार में तितिर पकड़ाता है। जब देख लिया कि अब तितिर नहीं पकड़ाएगा, अब हमारा भी वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ मैं, तो सबसे बेहतर यही है कि सरेंडर कर दूँ। उनको भी लगा कि बिना नीतीश के हम 40 नहीं, तो वो भी सरेंडर। जरूरी भी थे और मजबूरी भी दोनों। तो अब जय सियाराम जय श्री राम, अब JDU भी करती दिखाई देगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं ना, हम भी करती दिखाई देगी और चिराग पासवान भी करते दिखाई देगी, एकदम सब जय श्री राम करेंगे। अबे बताइए क्या बेइज्जत किया था नीतीश कुमार ने हाउस में जीतन राम मांझी को, हाँफ रहे थे, कांख रहे थे, बकार नहीं निकल रहा था, सरेंडर कर गए, क्या ये कुर्सी है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बिहार में राजनीति की, प्रधानमंत्री ने तो बच्चों की पाठशाला ली, लेकिन ये राजनीतिक पाठशाला भी अजब भी है और गजब भी है प्रोफेसर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पाठशाला में कोई रूल नहीं है, सारे नियम सत्ता से होकर के गुजरते हैं, और जब सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है चीज़ें उससे तय होने लगती हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी ने प्रयास तो किया, ईमानदार कोशिश की, और लगा कि एक बड़े चेहरे के तौर पर, विपक्षी चेहरे के तौर पर हम राष्ट्रीय फलक पर उभरेंगे, लेकिन उस कोशिश को शुरू से डाइल्यूट करते रहा लोगों ने। पटना की बैठक में इनको कुछ नहीं भाव मिला, संयोजक को लेकर के कह दिया गया कि 3 राज्यों का कोऑर्डिनेटर बनेंगे लोग और वो देखेंगे, और अंत में तो राहुल जी ने जो लगाई बात कि कह दी कि नहीं नहीं ममता बनर्जी जी से भी राय लेनी होगी, जब सोनिया जी ने अपनी सहमति दी। तो बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे जो अजब गजब बिल्कुल सूट कर रहा है, धाराएं अलग, विचारधारा के लेवल पर सबकी मान सम्मान अलग अलग, लेकिन जब सत्ता का समीकरण आता है तो सारी चीज़ें गौण हो जाती है, सारे लवकु सब एक जगह आ गए। EBC का वो 36% का आंकड़ा दिखने लगा लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर 40 कागजी गणित और जमीनी हकीकत में कई बार दिन रात का अंतर भी हो जाता है, ये अभी देखना बाकी है या कागजी गणित ही जमीन पर उतरता भी दिखेगा। नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी ने चीजों को साधा है, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा, तो जो कागजी अर्थमेटिक है वो 36% जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से निकल करके आया है EBC वोटर, वो वोटर कहीं ना कहीं से इंटैक्ट हैं और नीतीश कुमार से वो इंक्लाइंड रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लवकुश का भी पोलराइजेशन, चाहे वो कुश और लव की बात जितने लोग कर ले, कोशिश लोगों ने की, परिणाम नहीं आया, तो इंडिया का बंटाधार हो जाएगा।
बड़ा फॉर्मूला, हम साथ साथ हैं, वो जो नारा बुलंद कर रहे थे उसमें सूत्रधार निकल गया, बाकी क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, देखते रह जाएंगे। नहीं, बिहार में तो इनकी हवा निकलते हुए दिख रही है, चूंकि अर्थमेटिक इनकी है, और जो नेचुरल की बात करते हैं वो केमिस्ट्री भी बनेगी, चूंकि जब वो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री अंगणित और रसायन शास्त्र, बिल्कुल अर्थमेटिक केमिस्ट्री में बदलते हुए दिख रही है, और यही तो बीजेपी चाह रही थी कि अगर ये अर्थमेटिक जो हमसे छिटक गया, कोई सिंपथी, कोई नाराजगी, कोई रोष लोगों में। देखिए, सत्ता के परिवर्तन में हर हथकंडे हर तरह से अपनाए जाते हैं। नीतीश कुमार जी भी जब गठबंधन बदला था तो मैंडेट तो इनको बीजेपी के साथ मिला था, ये चले गए थे आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी गठबंधन को छोड़ करके फिर ये चले गए बीजेपी में। तो जो राजनीतिक पार्टियों के जो ये कर्तव्य हैं, इसको लेकर के अब जनता बहुत रोष में नहीं रहती। जनता को भी आदत हो गई है कि ये तो ये करते ही रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।